टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बस हिंदी में बोलो। हाँ हिंदी में बोलो। वांधा नहीं बोले। आपका नाम अपने परिचय। मारू नाम लियाकत अली। अच्छा आप शू के उठे जे बनावलो जे बाबत जे सुवान जे आत्मपर वान जे तो आप की आवाज। वो एक ज मांग करू छु के मारी आयशा ने न्याय मळे। मारी आयशा मरी गई छे ये तो पाछी नथी आवानी पण बीजी कोई आयशा ना मळे। मुख्यमंत्री श्री रूपाणी साहेब, होम मिनिस्टर साहेब, मीडिया थी बधा थी हूँ एकज मांग करू छू के न्याय मळे। आमा कोई मुस्लिम मजहब, ईसाई मजहब एनु कई लेव देव नथी। मजहब पहला आपणे एक मानवी छे ने बीजी कोई आयशा ना मरे बस हूँ ये चाहूँ छू। बीजी बेटीओ जे बची छे एने आयशा ना बनवा दो बस આટલું જ હું માંગ કરું છું બીજું કશું માંગ નથી કરતો। હવે હું બધું મારું કહેવું જફરભાઈ સાહેબ મારા વકીલ કહેશે એનાથી વધારે હું મારે કશું નથી કહ્યું। મેં માંગ કરી દીધી ના મેડમ મેં બોલતો દિયા બસ સરકાર કે પાસે એ મુજે બસ ન્યાય દિલાવ દૂસરી બેટીઓ કો બચાવ મેરી બેટી તો મુજે નહીં મિલેગી લેકિન ઉન જાલિમો કો એસી સજા દો कि कोई पति अपनी बीवी को इस तरह से उकसावे नहीं कि वो आप आत्महत्या करे जिस तरह मेरी बेटी ने कर दी। ये सिर्फ एक आयशा की कहानी नहीं है। हजारों से जो दहेज के नाम पर लड़कियां कितनी लड़कियां ना जाने कुर्बान हो गई ये उन सब आयशा के लिए इंसाफ की लड़ाई है और आगे कभी और कभी कोई आयशा ना हो इसलिए हम सबको मिलकर इस इंसाफ की लड़ाई लड़नी है और ये कुप्रथा जो है दहेज नाम की उसको बंद करवाना। वो सब मेरे वकील साहब बताएंगे। अभी तक कहना था मैंने कह दिया। लियाकत अनवर भाई को अभी तक 1.5 लाख रुपए रोकड़े दे दिए हैं और उसके बावजूद भी लियाकत अनवर भाई की और आरिफ भाई की और उनके फादर भूरा खान बाबू खान की कॉन्स्टेंट डिमांड थी कि पैसा दो पैसा दो और पैसा देते नहीं थे। ये तो उनकी छोकरी को मारता था। एक बार का ऐसा बना हुआ कि छोकरी प्रेग्नेंट थी और अनवर भाई घर पे आए थे और उन्होंने पैसा मांगा। आरिफ भाई घर पे आए थे उन्होंने पैसा मांगा। इनने पैसे देने का ना बोला तो आरिफ खान ने इनकी बेबी जो मरनार है छोकरी आयशा उसको मारा। उसका जो थी प्रेगनेंसी वो मिस करे जो उसे किरण कराना पड़ा। नहीं एक एक मिनट के लिए मैं एडवोकेट शेख हूँ मुनीर शेख। आज मीडिया मैक्सिमम तादाद के अंदर एक बच्ची के मरण अवसर के ऊपर आया है तो ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए आया है। तो मीडिया ने इससे पहले कभी ये महिला पुलिस स्टेशन के अंदर कोई RTI की है कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो कंप्लेन आती है उसमें से कितनी कंप्लेन के अंदर पुलिस 498 के ऑफेंस लॉज करती है। पुलिस तो सिर्फ ये एक कहानी बनाती है कि अरजदार आया जे इनो जवाब लीधो जे अने वधु सलाह आपी जे कि कोर्ट कामगिरी करशे। तो आज आटला मीडिया ना 50 माणसों भेगा थया तो मीडिया आ मरण अवसर उजवा माटे भेगा थई ने एक आ एक विषय बनावे तो शू एना पहला मीडियाए कोई एवी तफसीस करी जे कोई एवी कहानी बनाई जे के पुलिस केम आवा पगला लीधी नथी। मरिया पछी आपणे भेगा थया जे मरिया पछी इंसाफ लेवा माटे आया छे मरिया पछी रजूआत करवा माटे आया छे मरिया पहेलानी कहानीनो शू। आज एवा घणा बधा केसो पुलिस स्टेशनमां पेन्डिंग छे घणी बधी अरजीओ छे घणा बधा केसो छे। पुलिस एवा लोकोनी फरियाद केम ले छे जे वगवाड़ा छे अथवा एवा ज केसो केम नोंधे छे के जे लोको पाछळथी कोई सपोर्ट लईने आवे। आजे अमारा मित्र जेवानी छोकरीओ बाबते एमणे अरजीओ करी कोर्टमां जाय छे महिना बे महिनानी तारीख पड़ी छे पछी आपणे आंसु पाड़वा रड़वा वॉट इज धीस। केम आगळ आपणे एवा विषयो नथी बनावता। सरकारे कायदो बनायो जो 498 अमल करीशुं दहेज प्रतिबंधक दारो बनायो। हा बोलो तो बोलो। नहीं तो तमे भाई मारो एवो केवो छे के तमे अत्यारे मीडिया तरीके एवो तो रजूआत करो के जे पेन्डिंग केसो नु शू बोलो सब्जेक्ट तो आज छे नहीं यार बोलो। हाँ चलो पूछो। डिमांड एक छे के जे तोमतदार छे जे एब्सोंडिंग छे ने तात्कालिक पकड़वामां आवे अने तात्कालिक नामे प्रसंग रजू करवामां आवे।
इन्वेस्टर केस पेन्डिंग है, जामीन थी गया है नामदार कोर्ट में, केस पेन्डिंग है एना विशेष में मरना डोमेस्टिक वायलेंस केस भी करो ओगनीस अमेरिकी कोर्ट में मेट्रो में ए भी केस हाल पेन्डिंग है। तुम्हारे को धमकी हम की दी है? मेरी जब आरिफ से बात बोलो, आरिफ ने मेरी लड़की ने जब मुझे बात करी तो मुझे डाउट हो गया था कि सुसाइड कर लेगी, तो मैंने उसके फादर को फ़ोन लगाया था। मैंने 4-5 बार फ़ोन किए लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरा मकसद ये था कि ये फ़ोन उठावे और मैं बोलूँ कि तुम्हारे लड़के ने ऐसा तो क्या बोला कि मेरी लड़की आत्महत्या करने जा रही है। अगर वो फ़ोन उठा लेते तो वो उसके लड़कों को कहते, तो वो अगर मोहब्बत से बात करता तो वो घटना नहीं घटती। लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, 5 बार मैंने फ़ोन किया लेकिन नहीं उठाया। बोलो और क्या बोलूँ, तो बहुत ये सब मेरे वकील पैसे के अंदर वो पहले दहेज मांगते थे, जैसे जो चलता है फ्रिज टीवी, वो ये नहीं दे पाए तो फिर उन्होंने रोकड़े दहेज की मांग करी। और फिर एक बार वो अहमदाबाद आया और उन्होंने डिमांड करी, फिर उन्होंने उनको 1.5 लाख रुपए दिए रोकड़े। नहीं ऐसे दहेज में चाहिए बोले हमको पैसा। लड़की को ससुराल के अंदर खाना देते हैं, उसको जो सायरा बानू है उसकी सास खुशबू बानू जो नणंद है वो उसको मेंटली फिजिकली हेरेसमेंट करते थे, उसको मारपीट करते थे, खाना का देते नहीं थे उनको। और जो दागिने इनके मदर फादर ने जो दिए शादी के अंदर वो सब उन्होंने ले लिए थे, अभी उनके पास ही है, अभी फिलहाल भी सब दहेज उसके पास, सारा दहेज उनके पास ही है। वो कोई आइडिया नहीं है कि निकली है कि निकली, बाकी मैं अभी मिल के आया जैसे साहब को तो उन्होंने बोला कि तपास चालू कर दिया हमने, हमने टीम भेजी है, शॉर्ट में पकड़ा जाएगा। वो क्या करते हैं वो, तो बैकग्राउंड क्या है सर, मेरी लड़की की जो सांस है ना वो मेरी बहन की ननंद है। करते क्या है बिजनेस, तो ये माइंस में आएंगे, माइंस की फैक्ट्री चलाते हैं, जो कोटा ये पत्थर बनते हैं ना उसमें पहुंच वाले हैं, सोशल उनके नेट सोच मजबूत देंगे वो हिसाब से सब हो जाएगा। वो अपने बताओ, वो अपने बताओ, हाँ बताओ बताओ, अपन डिटेल वाइज लिखी नहीं जाए तो जो प्रथम है 5 बारे छोकरी ने अहमदाबाद लेने आया तो आरिफ भाई 5 बारे तारे 5 बार 18 तारे प्रेगनेंट रहती तारे आरिफे हमने फादर पास 1.5 लाख ने मांगनी करेली, तारे हमने पैसा आपेला नोता, तारे पैसा अपने ना पड़ता ये आरिफ छे, आरिफ छे ये आशा साथ बाजेलो અને એને મનમાં લાગી આવતા એનો મિસકેરેજ થયેલો। ત્યારબાદ 21/7/19 રોજ આયસને લાઈને અમદાવાદ મૂકી ગયો હતો અને 6 મહિના સુધી આવ્યો નહોતો તેડવા માટે। પછી 26/1/20 રોજ 26/1/20 રોજ એ આવ્યો હતો અને અમારા ફાધરે ત્યારે અમને 1.5 લાખ રૂપિયા આપેલા। પછી લાસ્ટમાં એ 10/3/20 એ બેક ટુ પેમેન્ટ થઈ પેલી બેબી અને ત્યારથી લેવા આવ્યો નહીં અને વારંવાર એ પૈસાની માંગણી કરતો હતો, પછી અમે પૈસા નહોતા એટલે અમે ના પડી પૈસા આપવાની, એટલે ચડવા આવ્યો જ નહીં અને અમે કહેતો હતા જે થાય કરી લેજે, હું તારી બેબીને ચડવા આવવાનો નથી। ત્યારે કંટાળીને આ લિયાકતભાઈ અને બેબીએ તારીખ 21/8/20 રોજ વટા પોર્ટેશનમાં 498 કાની ફરિયાદ આરિફ ખાન, બાબુ ખાન, સાયરા બાનુ અને ખુશ્બુ બાનુ આ ચારે ઉપર FIR લોજ કરાવેલી, જેમાં આ તારે ચારે બેલ ઉપર બેલ આઉટ થયેલા અને હાલ નામદાર કોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ છે। ત્યારબાદ આ આયશા બાનુએ 19 સંબંધિત કોર્ટના મેટ્રોપોલિટન 19 નંબર કોર્ટમાં 32/35/20 ડોમેસ્ટિક વાયલેશનનો કેસ કર્યો જે હાલ પેન્ડિંગ છે। उन पर बात नहीं।
फोन पे उसकी कभी बात होती ही नहीं थी। ये सारा एक डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस है। इन लोगों को सिर्फ पैसों की पैसों का ही इनको था। अने ये आरिफ खान छे एनी ऑलरेडी एक ता गर्लफ्रेंड भी छे एना प्रेशर मा एनी सामे आने सामे बात करतो हतो। आरिफ खान એની પત્ની સામે જ એની ફ્રેન્ડ સાથે વાત કરતો હતો અને કહેતો હતો કે હું આને જ લાવવાનો છું, તો ખાલી ટેમ્પરરી છે મારી પાસે ઇસ્પર બિલ તરીકે। આરિફનો ઇન્ટેન્શન એ જ હતો કે મારે તને રાખવી નથી, તું પુરાણે મારા ઘરે આવી ગઈ છે, બરાબર છે, તું છૂટી થઈ જા અને હું જેથી હું સેકન્ડ મેરેજ કરી શકું। એટલે એને આયશાને કીધું કે તું મરી જા અને મેં વિડીયો મોકલજે, એટલે મેં હું આઝાદ થઈ જાઉં। उस इंसान को आयशा से कुछ लेना देना ही नहीं था, उस इंसान को सिर्फ पैसों से प्यार था और उसको जो जिस लड़की के साथ उसको शादी करनी थी उससे उसको निस्बत था। आयशा से उसको कोई निस्बत नहीं था, उसने सिर्फ उसको हैरेसमेंट ही किया है, उसके और उसके परिवार वालों ने सिर्फ उसके साथ हैरेसमेंट किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया। हम सिर्फ ये मांग करते हैं उसको इंसाफ दो और वो इंसान को सबक सिखाओ, ऐसा सबक सिखाओ कि आज के बाद कभी कोई दूसरी आयशा ना पैदा हो और कभी कोई लड़की इस तरीके की मौत की चादर ओढ़ के ना सो जाए। लव मैरिज नहीं है कि सगे में है, एक जो जानते थे पसंद करते थे और उसको फिर शादी करा दी। तो वो एक दूसरे को देखा हुआ था क्योंकि रिलेशन में ही इनके शादी हुई है, तो अदर कास्ट नहीं, एक ही कास्ट के सगे में है इनके। परिवार एक दूसरे को पहचानता था इसलिए शादी करवाई थी। और सायरा बानो, बाबू खान और खुशबू ननन, ये लोग वो आरिफ को सपोर्ट करते थे और उसकी कान हो करते थे, उसके वजह से उसको मारझूट करता था। हमें यह जमा थया जे मुख्य कारण ये थे कि सरकार एक सारी टीम पुलिस टीम बनावे अने इन्वेस्टिगेशन व्यवस्थित करे अने एक फास्ट ट्रेक कोर्ट में आनी ट्रायल चलावामां आवे ताकि आयशा ने न्याय मिली सके, अमारी यहाँ मांग छे। आ बधा बनावनुं कारण, आ बनावनुं मुख्य कारण एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स छे। આરિફ ખાનને બીજી છોકરી જોડે આડો સંબંધ હતો, અનૈતિક સંબંધ હતો, મોટું કારણ એ જ હતું અને બીજું દહેજનું કારણ હતું અને એના કારણે આ જે દીકરી આપણી જે આપણો વચ્ચે જે આયશા ગઈ છે એને વારંવાર ટોર્ચરિંગ કરતો હતો, વારંવાર ડિમાન્ડ કરતો હતો અને એને જણાવતો હતો કે ભાઈ હું તું કે ભાઈ સંજોગમાં તું જા, તું મરી જા, તું બીજી છોકરીનું મારે ઘરમાં લાવ અને એના માતા પિતા નણંદ ને લોકો પણ એને સહકાર આપતા હતા, એને સપોર્ટ આપતા હતા, આયશા એના સાસરીમાંથી બી કોઈ સપોર્ટ નહોતો કર્યો। अगर उस वक्त भी एक्शन लिया गया होता तो आज शायद ये नौबत ना आती उस लड़की के सपोर्ट में। अगर उस वक्त भी मैं बात करता हूँ, एफआईआर लॉन्च की उसने पुलिस ने चारों चारों को अरेस्ट करा और उनको कोर्ट में रजू करा, उनकी जामीनों के अभी बेल आउट और कोर्ट केस में पेंडिंग है। हमें हमारे देश की लॉ सिस्टम पर पूरा भरोसा है लेकिन जो लॉ सिस्टम थोड़ी स्लो है बस उस पर हमको एतराज़ है क्योंकि कितने केस पेंडिंग हो जाते हैं, कितने केस पड़े हैं ऐसे हज़ारों केस, लड़कियां मर जाती है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं लेकिन केस का कोई निराकरण नहीं आता है, कोई उसका ना इंसाफ होता है ना ही कोई उसका जजमेंट आता है। तो बस यही है, अब हमारे देश का लॉ सिस्टम बहुत अच्छा है, सरकार भी बहुत अच्छी है लेकिन सिर्फ जो ये लॉ का जो सिस्टम है उसको थोड़ा फास्ट करना है ताकि कभी दूसरी ऐसी सब नौबत ना आए, लड़कियों को तुरंत इंसाफ मिले। आज सरकार खड़ी है लड़कियों के साथ, पूरी तरह से खड़ी है, हर एक बाबत में लड़कियों के साथ खड़ी है लेकिन सिर्फ सिस्टम थोड़ी स्लो पड़ रही है। दूसरी लड़कियों के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? दूसरी लड़कियों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि वन साइड लॉ मत करो तुम, अगर तुमको तुम्हारा हस्बैंड नहीं गमता, नहीं तुमको चाहता है, तुम्हारे मदर पेरेंट्स को बोलो और उसका निकाल कर लो, सॉर्ट आउट करो उस मैटर को, लंबा खींचो मत। पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए घर वापसी का दरवाजा खुला रखे ताकि कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं निकले, क्योंकि कानून पे भरोसा रखे, कानून लड़कियों के साथ रहता है, कानून कायदे पे रहता है, तो कोई भी ऐसा कदम ना उठावे ये
हम दूसरे लोगों को मैसेज दें और लड़कियों को भी इतनी इंडिपेंडेंट बनाओ कि कभी ये मजबूर ना हो जाए इन लोगों के ऐसे दरिंदों के सामने झुकने के लिए। तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाओ, उनको मजबूत बनाओ, मेंटली मजबूत बनाओ और माँ बाप हमेशा उन लोगों के साथ मेंटली साथ रहे कि हम है तुम्हारे साथ, बस उस तरीके से लड़कियों को सपोर्ट दो कि लड़कियाँ कभी कोई ऐसा मजबूरी में ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए। दो मिनट रिजल्ट तुम्हें बताई दे, ये मैं पार्ट क्लियर करूँ चाह लेने कि तुम रिजल्ट बताई दे पास हुई है ना आप भी फाइनल हो जाती है एमए फाइनल हो जाती पीएचडी करनी थी और हम माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक गुजारिश करते हैं सरकार को कि ये इंसान को जो आरिफ नाम है आयशा के पति उसको फांसी दो ताकि एक दुनिया वालों को एक सबक मिले कि दूसरी कोई आयशा पैदा ना हो कभी। दसवीं बारहवीं का और उसकी एम ए का बी ए बैचलर ऑफ आर्ट अभी कहीं पढ़ती थी एम ए पढ़ती थी एम एम से बी ए का रिजल्ट है वो दसवीं का वो बारहवीं का एम ए आयशा ये छेले अत्यार एम ए सेकंड में एग्जाम आपेली है और पास थे पीछे पी एच डी करवा है एट अमरी गवर्नमेंट थी एक मांग है कि आ सोमदान ताते पकड़ी मंगावी अने नांदर कोर्ट में पेश रजू करी अने फास्ट ट्रेक कोर्ट में केस चला ट्रायल चलाई तात्कालिक मैक्सिमम सजा आपवा मारी गवर्नमेंट ने नर्म अपील छे लेखित रजूआत नहीं करी अत्यार सुधी। लड़की पढ़ने में भी इतनी होशियार थी, क्वालिफाइड लड़की थी, ये इस तरीके का गलत कदम उठाने पर उन लोगों ने कितना टॉर्चर और मजबूर किया होगा तब जाके ये लड़की ने कदम उठाया, बिकॉज अनपढ़ तो नहीं थी वो कि ये ऐसा कदम यूं ही उठा लेती। सर तो उसने क्या बोला, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के भी उनने कलाम पाक भेजो कहीं मानी, थैंक यू। बड़ी बड़ी उस लड़की को उस वक्त कसम दी थी उसके माँ बाप ने भी, लेकिन वो नहीं मानी, वो इस तरीके से वो टॉर्चर हो चुकी थी वो लड़की। अच्छा चलो बोल देता हूँ, अच्छा हाँ चलो बोल देता हूँ, थोड़ा हाँ चलो जी हाँ हाँ एक जी मारो नाम पठान जफर खान एस पठान मेट्रो पोर्ट कोटा प्रेक्टिस करूँ छू अने हाल में कमिटी मेंबर छू। जे आयशा बानू छे एमना लग्न तारीख 6/7/18 ना रोज अमदावाद मुकामे थयेला અને એમને સાસરી જાદોર મુકામે હતી, બરાબર લગ્ન બાદ આ આયશા બાનુ જાદોર મુકામે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેવા ગયેલા, ત્યાં થોડા ટાઈમ આ લોકોએ સારી રીતે રાખેલ અને ત્યારબાદ આરિફ ખાન, બાબુ ખાન, સાયરા બાનુ અને ખુશ્બુ નણન આ ચારે ભેગા મળીને એને વારંવાર મેન્ટલી ટોર્ચરિંગ કરતા હતા કે તારા ભિખારી બાપે દહેજ ખૂબ જ ઓછું આપેલ છે, ઘણા ગધી વસ્તુ આપેલ નથી જેથી તું તારા બાપા પાસેથી દહેજ લઈને આવે, ત્યારે આ આયશા બાનુ એમના સાસરીવાળા કહેતી હતી કે મારા મારા ફાધર ગરીબ છે, સિલાઈ કામ કરે છે એટલે તમને મોટી મોટી વસ્તુ આપી શકે તેમ નથી, જેથી આ કામના જે ચારે તોમતદારો છે આરિફ ખાન અને ઘરવાળા એ આયશાને મેન્ટલી ટોર્ચરિંગ કરતા હતા, હેરેસમેન્ટ કરતા હતા, મારઝૂડ કરતા હતા, એ બનાવ એ એના ફાધરને બોલતી નહોતી કેમ કે એના ફાધરને દુઃખ થશે અને એનું ઘર સંસાર બગડે નહીં, બરાબર એ સહન કરતી હતી પણ એ સહન ના થતું, તારીખ 5/12/18 રોજ આ આરિફ ખાન આયશા બીબીને એમના ઘરે લઈને આવેલો ત્યારે પ્રેગ્નન્ટ હતી, ત્યારે આયશા આરિફ ખાને આમના ફાધર પાસેથી રૂપિયા 1.5 લાખની માંગણી કરેલી, પરંતુ પૈસાની વ્યવસ્થા ના થતાં આમના ફાધરે મરનાર ફાધરે જણાવ્યું કે ભાઈ મારી પાસે પૈસાનો કોઈ વિકલ્પ નથી, અત્યારે વ્યવસ્થા છે નહીં, જેથી આયશા સાથે આ આરિફ લડેલો અને આયશાને મનમાં લાગી આવતા એની જે પ્રેગ્નન્સી હતી એમાં બ્લડિંગ થયું હતું અને એને કિરાટન કરાવવાની ફરજ પડેલી, ત્યારબાદ ત્યારબાદ સમાજના માણસો આવીને આયશાને લઈ ગયેલા ત્યારે 21/7/19 રોજ 21/7/19 રોજ
આ આરિફ ખાન આયશાને એમના ઘરે લાવીને મૂકી ગયેલો અને ત્યારે પૈસાની માંગણી કરી ત્યારે પૈસા ના આપતા આ આરિફ ખાન એને મૂકીને પરત જાડો જતો રહેલો. ત્યારબાદ 26/1/20 રોજ આ આરિફ ખાન ફરી આમના ઘરે તેડવા આવેલો અને આના ફાધરને જણાવ્યું કે ભાઈ હું તમારી બેબીને લઈ જવા તૈયાર છું, જો તમે મને 1.5 લાખ રૂપિયા આપતા હો તો. ત્યારે આ લિયાકતભાઈ મજૂરી કામ કરતા હોય ઉછી પાછીને લઈને અને આમને આરિફ ખાને 1.5 લાખ રૂપિયા આપેલા અને ત્યારબાદ આ આરિફ ખાન એમની બેબીને લઈને ત્યાં પાછો જતો ગયેલો જાલોરમાં. ત્યારબાદથી આ લોકો આમ જે 4 જણા છે સાસરીવાળા એ એમને મેન્ટલી હેરેસમેન્ટ કરતા હતા અને મારઝોડ કરતા હતા. ત્યારબાદ 10/3/20 રોજ આ આરિફ ખાન આયશા બીબીને લઈને આવેલો અને એમના ઘરે મૂકી ગયો હતો અને જણાવ્યું કે ભાઈ તમે 1.5 લાખ આપ્યા છે, મારું કામ થયું નથી, તમે બીજા પૈસા આપો. એટલે પૈસા આપવાની ના પડતા આરિફ ખાન એમને છોડીને પરત જતો રહેલો અને પછી લોકડાઉન લાગી જતા એને ઘણા ફોનો કર્યા પણ એ આવ્યો નહોતો લેવા માટે. ત્યારબાદ 20/6/20 રોજ લોકડાઉન પછી આ આરિફ ખાનના જે ફાધર છે બાબુ ખાન એમણે આના ફાધર પર ફોન કરેલો કે ભાઈ અમે તેડવા માટે આવીએ છીએ ત્યારે આરિફ ખાન ફરી અમદાવાદ આવ્યો હતો અને ત્યારે પણ પૈસાની માંગણી કરેલી ત્યારે અમને પૈસા આપ્યા નહોતા એટલે એની સાથે મારઝોડ કરી ઝઘડો તકડ કરી આયશા સાથે અને પરત એ જાડો એકલો જતો રહેલો. ત્યારબાદ અમને ઘણી રાહ જોઈ પણ એ લોકોએ કોઈ રેમેડિ એપ્રોચ રાખ્યો નહીં ચડવા માટેનો એટલે કંટાળીને આ આયશા બીબી અને અમના ફાધરે તારીખ 21/8/20 રોજ વટો પોલીસ સ્ટેશનમાં 498 વગેરે વગેરેની ફરિયાદ કરેલી જેમાં આરિફ ખાન બાબુ ખાન સાયરાબાનુ અને ખુશ્બુ આ ચારે ઉપર 498ની ફરિયાદ કરેલી જેમાં પોલીસે આ ચારે ચારને અટક કરી નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરી બેલ આઉટ કરેલા અને જે હાલ જે કોર્ટ જે કેસ હાલ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. ત્યારબાદ આયશા બીબીએ મેટ્રો કોર્ટ 19 નંબરમાં ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ એક્ટનો કેસ કરેલો 32/35 નંબરથી જે હાલ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. બરાબર, હવે જે આ બનાવ બન્યો છે આજે તારીખે એ તારીખે આયશાએ એમના પતિને ફોન કરેલો અને 73 મિનિટ સુધી વાત કરેલી. હવે એ વાત શું કરેલી અમને ખબર નહીં પણ એ વાતમાં આયશાને લાગી આવતા અને વાતમાં એમને એવું જણાવેલું કે જો તું તારે મને તું મને આઝાદ કરી દે અને તું તારે સોસાઇડ કરવો તો તું સોસાઇડ કર અને મને વિડીયો મોકલી દેજે. એટલે આયશાને મનમાં લાગી આવતા આયશાએ વિડીયો બનાવ્યો, વિડીયો એને મોકલ્યો. એના ફાધરે એને ઘણી રિક્વેસ્ટ કરી કે તું પાછી આવી જા પાછી આવી જા પણ એ પાછી આવી નહીં અને એને એમ કીધું કે મેં વિડીયો મોકલી દીધો છે એટલે હવે હું આત્મહત્યા કરી છે અને કૂદી ગઈ. એના પછી એને ખબર પડતા આરિફ ખાનને ખબર પડતા કે એ મરી ગઈ છે ત્યારે એને વોટ્સઅપ પર ચેટિંગ કર્યું કે જે ચલા ગયા ઉસકો ઇમ્પોર્ટન્ટ મત દો, જો જિંદા ઉસકો ઇમ્પોર્ટન્ટ દો. એટલે મારી સરકારને એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે આવા ગુનેગારોને પકડી મંગાવે, તાત્કાલિક પકડી મંગાવે અને એને નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરે અને ફાસ્ટ રેકોર્ડના કેસ તાત્કાલિક સજા કરે. વાપિસ 100 બતા તારીખ 6/7/18 કે રોજ આયશા બીબી કી શાદી અનવર ખાન સે હુઈ થી. શાદી કે બાદ આયશા બીબી જાદર મુકામ પે ઉનકે સસુરાલ કે વહાં રહેને ચલી ગઈ. વહાં પર ઉસકે જો સસુરાલ વાલે હૈ વો ઉસકો તંગ કરતે થે ઓર દહેજ કી માંગણી કરતે થે જિસકી વજહ સે ઉસકો ખાને કા દેતે નહીં થે. તારીખ 6/7/18 કે રોજ આયશા બાનુ કી શાદી અનવર ખાન બાબુ ખાન પઠાણ કે સાથ મેં અમદાવાદ મેં હુઈ થી. આરિફ ખાન બરાબર શાદી હુઈ થી. શાદી કે બાદ સુસરાલ મેં જાહોર મુકામ પે લે ગયે થે. વહાં પે આયશા બીબી કો સુસરાલ વાલે મારઝોડ કરતે થે ઓર દહેજ કી માંગ કરતે થે. મગર ઉસને ઉસકે પિતાશ્રી કો ઇસકે નહીં બતાયા કે ઉસકે પિતાશ્રી ગરીબ થે ઓર દહેજ કી માંગણી સંતોષ સકતે નહીં થે. તારીખ 5/12/18 કે રોજ આરિફ ખાન અમદાવાદમાં આયા થા ઓર ઉસને કહા કે મુજે 1.5 લાખ કી જરૂરત હે. એમને ના બોલા જબ આયશા બીબી પ્રેગ્નન્ટ થી એમને ના બોલા પૈસે નહીં તો આયશા બીબી ઝઘડા કરકે ઓર વો ચલા ગયા. ઉસકા દુઃખ લે કે આયશા બીબી કો મિસ કેરેજ હુઆ ઓર ઉસકો રિટર્ન કરાના પડા. ઉસકે બાદ સમાજ કે લોગ આયે ઓર આયશા બીબી કો આકે લે ગયે. તારીખ 21/7/19 કે રોજ આરિફ ખાન ફિર અમદાવાદમાં આયા ઓર ઉસકો આકે છોડ કે ચલા ગયા. ફિર 26/1/20 કે રોજ આરિફ ખાન ફિર આયા ઓર
लियाकत भाई से बोला कि मुझे 1.5 लाख की ज़रूरत है, इनने बोला 1.5 लाख अभी है, तो फिर झगड़ा तगड़ा करने लगा, फिर इन्हें लोगों से उधार पैसे लेके उसको 1.5 लाख रुपये दिए, उसके बाद वह ऐसा भी को लेके वापस रवाना हो गया जालौर। उसके बाद भी वहाँ वो लोग उसको मारझोड़ करते थे, फिर छल्ले 10/3/2020 के रोज वो वापस छोड़ने आया ऐसा बीबी को और बोला कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, इन्हें पैसे देने का ना बोला तो उसको अकेले छोड़ के चला गया। फिर 20/6/20 के रोज बाबू खान का फ़ोन आया कि भाई मेरा छोकरा लेने आ रही आएगा, तो इनने उसको बुलाया, वो आया और उससे फिर वापस 1.5 लाख की मांगनी करी, पैसे की मांगनी करी, इनने पैसे देने का ना बोला तो छोड़ के चला गया। उसके बाद इनने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की बात करी, बाकी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की ना बोली, तो तारीख 21/8/20 के रोज वाटर पोल्यूशन के अंदर 498 का वगैरह की फरियाद करी और वो चारों चार को अरेस्ट करा पुलिस ने और कोर्ट में रजू करके उनको बेल आउट किया और वो भी केस पेंडिंग है। उसके बाद ऐसा बीबी ने 3/9/20 के रोज अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करा 32/35/20 से, वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। हमारी सरकार से ये मांगे कि ऐसे गुनहगार को तात्कालिक पकड़ के कोर्ट के सामने रजू करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के उसको मैक्सिमम सजा करें।